ये जो ग्रेडिंग मशीन जो सिस्टम हमने लाई है, जो टॉप क्वालिटी का माल है, हाथ से टच हो जाता है, तो वो माल हम ग्रेडिंग मशीन से ही सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है और इसमें व्यापारी उसको माल को पसंद भी ज्यादा दे रहे हैं। केडी चौधरी प्रोटेक्स मंडी, ये जो जालौर डिस्ट्रिक्ट में जीवाना में 3-12 दिसंबर को ये खुल गई है, उसमें सब किसान भाई को हमने आह्वान किया था कि ये मंडी कुछ नया जो फैसिलिटी किसानों को देने के लिए खुल गई है। उसमें हमने किया कि किसानों को पहला टोकन सिस्टम का सिस्टम बताया और जितना माल लगता है उतना ही मंडी में हमने माल बुलाया। इससे क्या हो गया, बाजार गिरे नहीं, एक लेवल पे बाजार चले और एक कैरेट सिस्टम में लोगों का फायदा हो रहा है, माल टचिंग में हो रहा है और वजन करके माल तोल जा रहा है, तो इसमें किसान भाइयों का फायदा हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ मैंने किसान भी देखे कि जगह पे अच्छे माल बेचते हैं और हल्का माल ही मंडी में कैरेट में लाने की कोशिश करते है, तो मैं आह्वान करूंगा कि हल्का भले ही लाओ लेकिन पूरे टॉप का भी माल मंडी में लाना है। तो भले 2000 पौधे है तो 1000 पौधे जगह पे दीजिए, 1000 पौधे मंडी पे लाइए, तो आपको एवरेज समझ में आएगा। दूसरी बात, हमने ट्रॉली की भी चालू रखी है, तो ट्रॉली में जैसा ही नियम हमने पहले से चला है वो नियम में हम माल बेचते हैं, तो उसमें जो टॉप क्वालिटी का माल है लेकिन ट्रॉली में आ गए, अगर वो किसान के पास कैरेट नहीं है तो हम कैरेट भी देने को तैयार है और उसमें कैरेट जो भी रेट दे रहे हैं उसमें से 70% पैसा जैसा ही कैरेट आपका सही रहेगा वापिस दो और वो 70% पैसा हम आपको देने वाले, ये भी सिस्टम लाई है। लेकिन ट्रॉली में अच्छा माल जब धूप में खड़ा रहता है तो ट्रॉली में खराब हो जाता है, तो रात में जैसा ही माल आएगा वैसा माल हम उतार कर लेंगे कैरेट में और अच्छा अच्छा माल उसका रेट भी सही मिलेगा, ये भी हमने सिस्टम लाई है। तो ये जीवाना में जो मंडी चालू हो गई है तो महाराष्ट्र में हमने ये कैरेट सिस्टम सक्सेस किया है, हमको राजस्थान में ही सक्सेस करना है, महाराष्ट्र से ज्यादा राजस्थान में माल अच्छा है। महाराष्ट्र में तो बहुत माल हल्के हुए, जैसे गुजरात में भी माल बहुत से खराब हुए, जैसे महाराष्ट्र में भी खराब हुए, लेकिन इतना टॉप माल लाने के बाद भी किसान भाइयों अपना खुद का नुकसान करते है, तो मेरी विनती है कि ये जो केडी चौधरी फ्रूटेक्स मंडी, ये जो हमने टोकन सिस्टम यहाँ लेके हमने सिस्टम चालू किया है कि उतना ही माल बेचेंगे, जैसा जैसा व्यापारी बढ़ेगा वैसा वैसा माल हम बुलाएंगे और बाजार गिरने नहीं देंगे। ये जो ग्रेडिंग मशीन सिस्टम है इसमें क्या है? तो ये जो ग्रेडिंग मशीन जो सिस्टम हमने लाई है, जो टॉप क्वालिटी का माल है हाथ से टच हो जाता है, तो वो माल हम ग्रेडिंग मशीन से ही सॉर्टिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है और इसमें व्यापारी उसको माल को पसंद भी ज्यादा दे रहे हैं। यानी कि अगर 60 रुपए में हमारे हाथ से सॉर्टिंग किया है तो 60 रुपए जा रहा है, वही अगर ग्रेडिंग किया है तो उसमें 2-4 रुपए किलो का आपका फायदा हो रहा है, तो किसान भाइयों का 2 पैसा फायदा करने के लिए हमने ग्रेडिंग मशीन यहाँ लगाई है। तो मैं तो विनती करता हूँ कि माल मत लाइए, पहला लाइए, पहला एक बार मंडी देखने के लिए आइए और आपको अगर पसंद पड़ा जगह पे तो जगह पे दीजिए, अगर आपको पसंद पड़ा मंडी में तो मंडी में लाइए। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने 20 साल काम किया है, जो जगह से और मंडी में 10-10, 15-15, 20-20 रुपए किलो का फर्क आता है, किसानों को रेट बढ़ के मिलता है। तो इसलिए जो ग्रेडिंग मशीन हमने लगाई है, ये पहली बार इंडिया में कोई
मंडी में ग्रेडिंग मशीन लगी है, एक्सपोर्टर ने खुद के लिए जरूर बनाई है, लेकिन मंडी में, देश में कहा मंडी में ऐसा ग्रेडिंग मशीन नहीं लगाया। तो मैं विनती करता हूं सब किसान भाइयों को, एक बार केडी चौधरी फुटेक्स मंडी जीवाना आइए, माल लाने से पहला खाली आप राउंड मार के जाइए, फिर दोबारा माल लाइए, यही मेरी विनती है। धन्यवाद।